नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आनंद, आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम टेस्ट का डेली अफेयर्स। और आज हम बात करने वाले हैं तालिबान के बारे में। और आज स्टूडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे, आखिर तालिबान कौन है, क्या है, उनके आइडियोलॉजी क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो तालिबान है, पर्टिकुलरली ये जो एक पश्तो भाषा का एक शब्द है, तालिबान को तालिबान भी कहते हैं। और इसका पर्टिकुलर जो पश्तो भाषा में इसका जो मतलब होता है, पढ़ने लिखने वाले लड़के, आखिर ऐसा क्या था, क्या कि इन्होंने ये क्यों इस राह पे चले, क्योंकि ये पढ़ने लिखने वाले लड़के थे जैसा कि नाम से पता चल रहा है। तो इसी के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि ये जो शुरुआत होती है, ये शुरुआत होती है सोवियत यूनियन से के टाइम से। जो सोवियत यूनियन था, जब वो कंट्रोल कर रहा था अफगानिस्तान में और ऑलमोस्ट निकलने की कंडीशन में था, तो उस टाइम पर क्या था कि अचानक से सोवियत संघ ने जो है यहाँ पर कंट्रोल, चूँकि धीरे धीरे अफगानिस्तान जो है हाथ से निकलता चला जा रहा था, तो उस पर कंट्रोल पकड़ मजबूत करने के लिए उन्होंने क्या किया था कि जो उनके जो रूरल एरियाज हैं, मतलब दूर दराज के जो गांवों के जो इलाके हैं, उन पे जो है हैवी बम्बार्डमेंट और उन पे हमले करने शुरू कर दिए थे। तो यहीं पर से उदय होता है तालिबान का, मतलब तालिब जो लोग थे इनका। यहाँ पर उस वक्त जो इनके लीडर हुआ करते थे 1990 में, तो वो हुआ करते थे उमर, मोहम्मद उमर। तो उमर क्या कर, जो पहले तालिबान के जो लीडर थे, और इन्होंने सबसे पहले जो काम किया था, वो काम क्या किया था कि 1990 में इन्होंने सबसे पहले अगर कहीं पे विजय, मतलब कहीं पे कब्जा किया, कोई अगर जगह कैप्चर की थी, तो वो थी नॉर्थ, ये आपकी जो नॉर्थ में जो आपकी अफगानिस्तान में जो नॉर्दर्न फ्रंट एरिया का जो एरिया था, उसको इन्होंने कंट्रोल किया था सबसे पहले। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पे था क्या कि एक आंदोलन चल रहा था उत्तरी पाकिस्तान में, और इसी को बोलते हैं नॉर्दर्न फ्रंटियर, जो पाकिस्तान का इलाका है, यहाँ पे ये सबसे पहले बने, सबसे पहले इन्होंने कब्जा किया। इसके बाद जो है अफगानिस्तान में ये लोग आ गए यूनियन बना के, और यहाँ पर हुआ क्या कि और ये लाइमलाइट में तब आए जब इन्होंने ऑलमोस्ट जो है 1998 तक जो है लगभग पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया था। और उसी लगभग टाइम पे कुछ समय बाद जो ओसामा बिन लादेन के बारे में आपने सुना होगा, जो कि इन्वॉल्व था जो ट्विन टावर्स थे अमेरिका के, उस पर हमले में सितंबर 2001 में, तो वहाँ पर क्या हुआ कि जब इस तरीके के हमले होते हैं, तो इन हमलों में क्या होता है कि जब उसने जो है ट्विन टावर पर हमला किया, तो अमेरिका ने जो है तभी भी हमला नहीं किया था, अमेरिका ने तालिबान से डिमांड की थी कि ओसामा बिन लादेन को हैंड ओवर करने के लिए। लेकिन उस वक्त जो है अफगानिस्तान में जो तालिबान जो कंट्रोल कर रहे थे, वो और जो अलकायदा का जो लीडर था, इसके बहुत अच्छे संबंध थे अलकायदा के साथ, तो इन्होंने मना कर दिया था, जिसकी वजह से अब जो नाटो फोर्सेस थी, जो अमेरिकन्स थे, वो इस वॉर में कूदे। तो दोस्तों, ये जो है पूरी जो शुरुआत होती है, ये दोस्तों शुरुआत कहाँ से होती है, सोवियत एरा से, जब सोवियत बाहर जा रहे थे उस टाइम पे तालिबान का उदय हो रहा था, वहाँ से उन्होंने कब्जा करना शुरू किया। कब्जा करते करते 1990 में उनका जो है उत्तरी पाकिस्तान में जन्म होता है, 1994 में ये पहली टेरिटरी जो है कब्जा करते हैं, और उसके बाद देखते देखते 1998 तक एक लगभग जो है पूरे अफगानिस्तान पे कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर जो कंट्रोल कर रहे थे, यहाँ पर भी बहुत सारे रिजीम्स थे, बहुत सारे संगठन थे, बहुत सारे मतलब आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे ग्रुप थे जो छोटे छोटे इलाकों पर कब्जा कर रहे थे, उन पर कंट्रोल करते थे। तो यहाँ पे जो चीज़ें थी, ये कुछ इस तरीके की चीज़ें चल रही थी, और इनको जो ख़त्म करने का काम किया, वो किसने काम किया, नाटो फोर्सेस ने। जब नाटो फोर्सेस आई, तो उन्होंने जो है तालिबान को वहाँ से हटा दिया। तालिबान को हटाने के बाद में दोस्तों क्या हुआ कि वहाँ पर जो है उन्होंने एक जो अभी जो वर्तमान में जो सरकार है हामिद करजई की, उसको जो है वहाँ पर उन्होंने इस्टेब्लिश किया। जब वहाँ पे उन्होंने उसको इस्टेब्लिश किया, जिसको तालिबान ने नकार दिया। अब आप ये सोचेंगे कि तालिबान को की जो गवर्नमेंट थी, उसको कौन कौन करता था, तो उसको तीन देश जो है मान्यता देते थे, एक तो उसमें पाकिस्तान था, दूसरा था सऊदी अरब, और तीसरा था यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ये तीन देश ऐसे थे जो तालिबान की सरकार को पूरी तरीके से देते थे, रिकग्नाइज करते थे, वो कहते मानते थे हाँ यहाँ पर ये गवर्नमेंट है, और ये जो उनकी आइडियोलॉजी है ये क्या है, ये इस्लामिक स्कॉलर्स होते थे जो मदरसों में पढ़ा करते थे। इनका जो मदरसों की जो फंडिंग होती थी, वो सऊदी अरब और एमिरेट्स से आती थी। तो यहाँ पर क्या होता था
कि यहाँ से जो चीज़ आ रही थी, जो फंडिंग आ रही थी, ये उसी से पढ़ रहे थे और धीरे धीरे चलते चलते जो है यही में उन्होंने विद्रोह किया, हथियार उठाए और पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा किया। यहाँ पर दोस्तों अब क्या वर्तमान में स्थिति है, जब इन्होंने जो है 2014 में ये वॉर एंड हुआ, अफगानिस्तान जो वॉर जिसे बोलते हैं, ये जब एंड होता है 2001 से चलते हुए 2014 तक, मतलब 14 साल लगभग ये वॉर चला, तालिबान ने कभी हार नहीं मानी। जब ये वॉर एंड हुआ और ये अब जो फोर्सेस यहाँ से निकली हैं अमेरिकन फोर्सेस, उन्होंने अफगानिस्तान पूरी तरीके से छोड़ दिया, तो अब जो है बहुत तेज़ी से पाकिस्तान अफगानिस्तान पे जो एरियाज हैं उन पे जो है तालिबान बहुत तेज़ी से कैप्चर कर रहा है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और वहाँ की फोर्सेस को डोमिनेट कर रहा है। तो यहाँ पर आने वाले कुछ समय में हम ये देख सकते हैं अफगानिस्तान के अंदर कि पूरे अफगानिस्तान के अंदर जो है तालिबान का ही कब्जा मिले। अभी हाल ही में जो है खबरें आई थी कुछ इस तरीके की कि अमेरिकन फोर्सेस ने जो उनका सबसे पुराना जो सबसे बड़ा एयरबेस था, जो मिलिट्री बेस था, उसको जो है उन्होंने तुरंत जो है मतलब विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल देख रहते हैं दुम दबा के भागना कुत्ते की लड़के बिना बताए लोकल अथॉरिटीज़ को, वो वहाँ से भागते हैं नाटो फोर्सेस। इससे जो होता क्या है, इससे जो है जो तालिबान के जो लड़ाके हैं, जो तालिबान के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है मोटिवेटेड होते हैं। क्यों, आपका दुश्मन जब आपको देख के भागता है युद्ध से या मैदान छोड़ के भागता है, तो जाहिर सी बात है आपका जो दुश्मन होता है वो उसका जो उत्साह होता है वो डबल हो जाता है। तो बिल्कुल ठीक यही कंडीशन हुई यहाँ पर तालिबान की, और देखते ही देखते उन्होंने बहुत तेज़ी से और तेज़ी से जो है उनके हथियारों पर कब्जा करना शुरू किया, गाड़ियों पर कब्जा। तो इस तरीके से दोस्तों चीज़ें देखते देखते अभी जो कल हम लोग को एक जो न्यूज़ निकल के सामने आई कि भारत ने जो वहाँ पर जो डेवलपमेंट के काम किए थे, जैसे सलमा डैम बनाया था उन्होंने, जो बहुत बड़ा डैम था जो अब भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती का प्रतीक है, उस पर अब जो है वर्तमान में आज की डेट में तालिबान कंट्रोल कर रहा है। आने वाले टाइम में कुछ ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर पूरी तरीके से कंट्रोल होगा और वहाँ पर अभी जो है भारत के करीबन जो है 3,000 के आसपास लोग हैं। भारत सरकार कुछ ना कुछ कर रही होगी इसको लेके, और जब हो सकता है अभी जल्द ही वहाँ से प्लान भी देखने को मिले भारतीयों का। फिलहाल में अभी जो है सिनेरियो क्या है, अभी जो है वहाँ से लोग भाग रहे हैं, जो पिछले और जो पहले इससे 1,000 सैनिक जो है पहले ही जो है तजाकिस्तान जा चुके हैं, और जो लोग हैं वो भी जो है भाग के पाकिस्तान और ईरान तजाकिस्तान जा रहे हैं। अभी तजाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे ऑलरेडी जो है रशिया और तजाकिस्तान की सेनाएं वहाँ मौजूद हैं कि अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो वो वहाँ पे चीज़ें मैनेज करेंगी। तो दोस्तों इस तरीके की जो चीज़ें चल रही हैं, अभी जो ये घटनाक्रम चल रहा है ये चल रहा है, और तालिबान जो है पर्टिकुलरली क्या है, एक जो आपको बताया मैंने जैसे जो उनकी आइडियोलॉजी है, ये इस्लामिक ग्रुप की आइडियोलॉजी है। ये क्या कहते हैं, शरिया कानून को मानने वाले हैं, शरिया कानून लागू करते हैं। इसमें क्या होता है, जो दूसरे गैर धर्म के लोग होते हैं, जो कोई भी हो सकते हैं, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा उनको जो है एक अनइक्वल तरीके से ट्रीट किया जाता है, बहुत ज़्यादा उन पर अत्याचार हो जाते हैं। और यहाँ पर जो वुमेंस जो राइट होते हैं, वुमेंस जो सेफ्टी है, उसको लेके जो तालिबान है वो ये कहते हैं कि इनके जो पहनावे को लेके, इनकी पढ़ाई लिखाई को लेके, या अकेले बाहर नहीं जा सकती हैं, परिवार को सदस्य होना चाहिए, अगर स्कूल कॉलेज जा रही हैं और एक सर्टेन अगर एज हो गई जाती है तो उसके बाद स्कूल नहीं जा सकती, कोई काम का धंधा नहीं कर सकते, कोई काम काज नहीं कर सकते। तो इस तरीके के बहुत सारे फाउंडेशन जो है तालिबान के उसमें जो है शरिया कानून के तहत आती है। तो यहाँ पे दोस्तों अभी कुछ दिनों बाद हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्द जो है हमें शरिया कानून विद इस्लामिक रूल आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो है अभी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी हैं जिसमें अभी अमेरिका ने बोला है कि जो है अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम जो है ड्रोन अटैक्स कर सकते हैं या कोई ना कोई कार्रवाई कर सकते हैं। तो इस तरीके की भी चीज़ें फ्यूचर में देखने वाली होंगी कि कैसे क्या हो रही हैं, क्योंकि जिस टाइम पे मुल्ला उमर थे वहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें थी, अब मुल्ला उमर नहीं है और उनके जो पार्टी के जो अदर लीडर हैं वो उसे कंट्रोल कर रहे हैं। हालांकि वो ये बात बोल रहे हैं कि जो है फॉरेन जो एंटिटीज़ हैं, जो फॉरेन के जो राजदूत हैं या फॉरेन के जो लोग हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे धर्म के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन दोस्तों जब गोलियाँ चल रही होती चारों तरफ तो जहर से बता डर लगता है, हर एक को देश को अपने अपने नागरिकों की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। और यहाँ पर सारे देश की जो दुनिया भर के जो देश हैं जो ऑलरेडी जो वहाँ पे मौजूद हैं अफगानिस्तान में, वो कहीं ना कहीं अपने लोगों को बचाने के लिए और वहाँ से निकालने के बारे में सोच रहे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं। थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।